नमस्कार दोस्तों, भक्ति केंद्र में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा गुरु मंत्र अथवा दीक्षा क्या होती है। जो ढोंगी बाबा गुरु मंत्र अथवा दीक्षा देते हैं उनका पहचान बताया और यह बताया कि गुरु मंत्र अथवा दीक्षा को कोई अलौकिक शक्ति कहता है, तो कोई दिव्य आनंद, तो कोई दिव्य प्रेम आनंद कहता है, लेकिन यह सब एक ही है। दीक्षा देने का मतलब अलौकिक शक्ति देना भी है, दिव्य प्रेम देना भी है और दिव्य आनंद देना भी है। अब एक प्रश्न है, दीक्षा कब मिलती है? जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तब दीक्षा मिलती है। शुद्ध का मतलब संक्षेप में समझिए, जब मन एक भोले भाले बच्चे की तरह हो जाता है, वह बच्चा ना तो किसी के बारे में बुरा सोचता ना तो किसी के बारे में अच्छा सोचता, अर्थात संसार से उसे बच्चे का मन ना तो रोग प्रेम करता ना तो दुश्मनी करता। जब किसी व्यक्ति का मन भगवान में मन लगाकर इस अवस्था पर पहुंच जाता है, तब वास्तविक गुरु आपके मन को दिव्य बनाएगा। तब वास्तविक गुरु अथवा संत अथवा महापुरुष आपको गुरु मंत्र या दीक्षा देता है। अब दीक्षा का समय आ गया है, जब मन शुद्ध हो गया है। इससे पहले दीक्षा नहीं दी जा सकती, क्योंकि हमारा मन उस अलौकिक शक्ति को संभाल और सहन नहीं कर सकता। अगर कोई गुरु अथवा महापुरुष अधिकारी बने किसी को जबरदस्ती दीक्षा दे दे तो उस व्यक्ति का शरीर फट के चूर चूर हो जाएगा। वह अनधिकारी व्यक्ति महान नहीं सह सकता। हमारा माया अधीन जीवन का मन इतना कमजोर है कि उस दीक्षा अलौकिक शक्ति दिव्य आनंद दिव्य प्रेम आनंद को सहन नहीं कर सकता। हम लोग संसार के सुख और दुख को नहीं सहन कर सकते। जैसे एक गरीब 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तो वह बेहोश हो जाता है। किसी की प्रेमिका प्रेमी अथवा माता पिता संसार छोड़ दे तो उसका दुख भी वह व्यक्ति नहीं संभाल पाता। तो यह जो अलौकिक शक्ति दिव्य आनंद है, इसे कोई क्या संभाल पाएगा? ये दीक्षा अनेक प्रकार से दी जाती है। अगर वह दीक्षा बोल के दी जाए तो उसे हम लोग गुरु मंत्र कहते हैं। वास्तविक गुरुओं ने अनेक तरीकों से दीक्षा दिया है, कभी कान में बोल के, आंख से देख के, गले लगा के या यहाँ तक फूंक मार के दिया है। दीक्षा देना है किसी बहाने दे दे, चाहे एक घूसा मार के दे दे। दीक्षा देने में यह आवश्यक नहीं है कि कान से दिया जाए। गौरांग महाप्रभु ने गले लगा के दीक्षा दिया। दीक्षा का अर्थ होता है गुरु के पास रहकर सीखी गई शिक्षा का समापन, मतलब अंत। दीक्षा के अर्थ से ही समझ लीजिए, जब आप गुरु के पास रहकर सारा ज्ञान ले लेंगे और गुरु के अनुसार चलकर अपने अंतकरण मतलब मन को शुद्ध करेंगे, तब अंत में गुरु आपको दीक्षा देगा। दीक्षा मिलने के बाद शिष्य को गुरु से कुछ और पाना शेष नहीं रहता। दीक्षा देना अर्थात गुरु के द्वारा शिक्षा का समापन मतलब अंत हो गया है। यह दीक्षा मतलब भगवान प्रेम होता है, जिसका गुरु मन शुद्ध होने के बाद दे देता है। और दीक्षा आपको मांगना नहीं पड़ता, गुरु आपको बिना मांगे दे देगा, और चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी अगली जो वीडियो आएगी, क्या करें अगर हमारा गुरु वास्तविक गुरु नहीं है। तो दोस्तों, धन्यवाद।